नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम आपको बताते हैं पिछली पंचायत में वार्ड संख्या 14 में हुए कार्यों की समीक्षा के बारे में। आज हमने अपनी टीम के साथ में वार्ड संख्या 14 का निरीक्षण किया, जिसमें हमने पाया कि जगह जगह पर सीसी रोड बने हुए हैं, साफ़ सफाई है, नालियाँ हैं, और जिस जगह पर सीसी रोड नहीं थे वहाँ पर भी सीसी रोड बनवा दिए गए। 14 नंबर वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पानी के पाइप डलवाए गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले कई सालों से वार्ड संख्या 14 के अंदर भाटवास में पानी की इतनी समस्या थी कि वहाँ नल कनेक्शन नहीं थे, लोगों को पानी उठाकर लाना पड़ता था। तो वार्ड सदस्य ने अपनी मेहनत से और अपना फ़र्ज समझते हुए महादेव जी मंदिर से जाने वाली पाइपलाइन से उसका कनेक्शन करवा कर उनको पानी की समस्या से निजात दिलाया। वहीं 14 नंबर में रोड स्ट्रीट के रूप में खंभे पर लाइटें लगाई गई, नालियां जो थी व्यवस्थित रूप से नालियों को बनाया गया, और एक रमेश चौधरी के घर के पास में जो रोड करीब पिछले 15 से 20 वर्षों से यूं ही पड़ा था उसको भी सीसी रोड बनवाया गया। हमारे साथ में कई वार्ड संख्या 14 के निवासी, और उनसे हमने बात भी की। हम उस अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि क्या कहा उन्होंने। अभी हमारे साथ में वार्ड संख्या 14 के सदस्य हैं शकुर का भाटी, आइए बात करते हैं उनसे क्या कहा उन्होंने। तो शकुर भाई, आप बताएंगे कि अब पंचायत तो भंग हो गई और अब दूसरी पंचायत आ रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप अपने कार्यकाल को? मेरा कार्यकाल और मेरे वार्डवासी में बहुत अच्छा इधर काम किया। जैसे 20 साल तक यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वो भी मैंने डलवाई। उसके बाद में नाली व्यवस्था, दूसरी साफ सफाई हर महीने करवाना, ये सब मेरा जो वार्ड मेंबर का फर्ज है वो मैंने निभाया। और अभी मैं वार्ड संख्या 18 से दावेदारी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं लोगों की तहे दिल से सेवा करूँगा। जो पंचायत के लायक और लीगल काम है उनमें कोई अड़चन आने नहीं दूंगा। धन्यवाद।